हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज, व्हिच काइंड ऑफ थेरेपी वाज गिवन इन 1990 टू अ 4 ईयर ओल्ड गर्ल विद एडिनोसाइन डीएमिनेस डिफिशियंसी। यह क्वेश्चन में पूछ रहे कि 1990 में एक 4 ईयर ओल्ड गर्ल को एक सर्टेन थेरेपी दिया गया था, हु वाज सफरिंग विद एडिनोसाइन डीएमिनेस डिफिशियंसी। वो थेरेपी कौन सा था? ऑप्शन ए इम्यूनोथेरेपी, ऑप्शन बी रेडिएशन थेरेपी, ऑप्शन सी जीन थेरेपी एंड ऑप्शन डी केमोथेरेपी। सो टू आंसर दिस क्वेश्चन, लेट अस अंडरस्टैंड द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। हियर द की कॉन्सेप्ट इज एडिनोसाइन डीएमिनेस। जिसको शॉर्ट में एडीए कहा जाता है। सो एडिनोसाइन डीएमिनेस क्या है? इट इज अ क्रूशियल एंजाइम फॉर इम्यून सिस्टम टू फंक्शन। नाउ एडिनोसाइन डीएमिनेस डेफिशिएंसी ये कब होता है या क्यों होता है? इट इज ड्यू टू डिलीशन ऑफ जीन दैट कोड्स फॉर एडिनोसाइन डीएमिनेस। सो जो जीन एडिनोसाइन डीएमिनेस को कोड करते हैं, वही जीन अगर डिलीट हो जाए या वो डिजेबल हो जाए किसी कारण से, या म्यूटेशन से या कोई भी दूसरे रीजन से, तो तब जाके एडिनोसाइन डीएमिनेस डिफिशियंसी देखने को मिलते हैं। नाउ एडिनोसाइन डीएमिनेस डिफिशियंसी, इसको एक और डिसऑर्डर के नाम से भी जाना जाता है, विच इज कॉल्ड एस SCID। एंड ये क्या होता है? सीवियर कॉम्बाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी। इसमें क्या होता है, जो पेशेंट सफर कर रहे हैं इस डिजीज से, उनमें इम्यून सिस्टम काफी लो हो जाता है। इतना ही लो हो जाता है कि छोटे से छोटे जुखाम या कोल्ड या कट से भी इनको बहुत बुरी तरह इफेक्ट कर जाता है। नाउ इस डिजीज का ट्रीटमेंट क्या है? एडी डिफिशियंसी के ट्रीटमेंट में दो ऑप्शन यूज किया जा सकता है। पहला है बोन मैरो रिप्लेसमेंट, क्योंकि बोन मैरो से ही एंजाइम का फॉर्मेशन शुरू होता है। तो अगर उसी को, जो डिफेक्टिव बोन मैरो है, वो उसको रिप्लेस करके एक फंक्शनल बोन मैरो को प्लेस किया जाए, तो ये एक परमानेंट सोल्यूशन बन सकता है फॉर दिस डिजीज। हाउएवर ये सिर्फ छोटे चिल्ड्रन में ही एप्लीकेबल हो पाता है। बड़े हो जाने के बाद बोन मैरो का रिप्लेसमेंट करना इजी नहीं होता, एंड वो जो आप दूसरा बोन मैरो लगाएंगे उसके अगेंस्ट कई इम्यून रिस्पॉन्स एक्टिवेट हो जाएंगे। एंड दूसरा ऑप्शन है एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी। इसमें जो पेशेंट होता है, उनको एक पीरियोडिक टाइम टेबल के बाद या टाइम ड्यूरेशन के बाद फंक्शनल एडीए दैट इज एडिनोसाइन डीएमिनेस एंजाइम को इंजेक्ट किया जाता है इनटू द बॉडी। नाउ एडिनोसाइन डीएमिनेस थेरेपी के लिए
जो फर्स्ट अप्रोच लिया गया था, जो सक्सेसफुल अप्रोच था, इसमें द फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी वॉज गिवेन। टू ए 4-year-old गर्ल इन द ईयर 1990 विद द डिजीज एडेनोसाइन डीएमएनएस डिफिशियंसी। सो एक 4-year-old गर्ल को ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1990 फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी दिया गया था, और ये एक सक्सेसफुल अटेम्प्ट था टू ट्रीट एडिनोसाइन डीएमएनएस डिफिशियंसी। सो क्वेश्चन में पूछा गया था, व्हिच काइंड ऑफ थेरेपी वाज गिवन इन 1990 टू ए 4-year-old गर्ल विथ एडिनोसाइन डीएमएनएस डिफिशियंसी। सो द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन सी, जीन थेरेपी। ऑप्शन ए इम्यूनोथेरेपी, ये क्या होता है, इसमें इम्यून रिस्पॉन्स को सप्रेस या इनिशिएट किया जाता है। ऑप्शन बी रेडिएशन थेरेपी, यहाँ पे आयोनाइजिंग रेडिएशन यूज किया जाता है एंड ये यूजुअली कैंसर सेल में यूज किया जाता है टू किल द मेलिग्नेंट ट्यूमर सेल्स। ऑप्शन डी कीमोथेरेपी, यहाँ पे ड्रग्स यूज किया जाता है, अगेन ये कैंसर ट्रीटमेंट में यूज होता है टू किल द मेलिग्नेंट ट्यूमर सेल्स। सो द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन सी, जीन थेरेपी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।